वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एवरीवन। तो मेरे सामने आज आप देख रहे हैं द ऑनली न्यू होंडा अमेज। इस गाड़ी में आपको टोटल तीन वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, ई एस एंड वी एक्स, बाकी सी वी टी एंड मैनुअल गेयरबॉक्स इसमें ऑफर किया गया है। सी वी टी जो है वो बेस वेरिएंट ई को छोड़ के बाकी दोनों एस और वी एक्स वेरिएंट में ऑफर किया गया। बेस वेरिएंट ई में आपको सी वी टी नहीं मिलेगा। बाकी फिलहाल जो मेरे सामने आप देख रहे हैं यह इसका टॉप ऑफ द लाइन वी एक्स वेरिएंट सी वी टी ट्रांसमिशन के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ जाएगा 9,80,500 रुपीज़। वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये ऑन रोड चला जाता है लगभग 11 लाख के करीब। आपकी स्टेट में, आपके स्टेट के टैक्स के अकॉर्डिंग ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इस गाड़ी में टॉप एंड वेरिएंट में क्या कुछ चीज़ें ऑफर की गई हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रंट लुक की सबसे पहले बात करें तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है। LED आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं DRL के साथ। ऊपर आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। ये पूरी क्रोम फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्रोम फिनिश के साथ नीचे आ जाएगा होंडा का लोगो, यहाँ आ जाएगी नंबर प्लेट की जगह, एंड नीचे ये ब्लैक मैट फिनिश में ग्रिल रहने वाली है। फॉग लैंप्स आ जाएंगे यहाँ पे साइड पे, क्रोम फिनिश रखी गई है। फॉग लैंप्स भी आपको LED में देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऐसा कुछ है गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक, काफ़ी प्यारा लुक है होंडा मेज का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm के करीब आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है होंडा मेज में। यहाँ आपको वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ओवरऑल डिज़ाइन है बोनेट का। चलते हैं गाड़ी के साइड पर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 15 inch के काफ़ी प्यारे दिखने वाले अलॉय व्हील्स, सिल्वर एंड ग्रे फिनिश में इनका रहने वाला है कलर कॉम्बिनेशन। साइज रहेगा, प्रोफाइल है जो टायर की, दैट इज़ 175/65R15 MRF के टायर दिए गए हैं साथ में। एंड यहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs मिल जाएंगे इंडिकेटर्स के साथ। फ्रंट डोर्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसा कुछ ओवरऑल गाड़ी का साइड प्रोफाइल, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। रियर लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारी LED यहाँ पे टेल लैम्प देखने को मिल जाती हैं। अमेज की बैजिंग आ जाएगी यहाँ पे, सेंटर में आ जाएगा होंडा का लोगो, इस साइड iVTEC इंजन की बैजिंग है। यहाँ आ जाएगी नंबर प्लेट, रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ आ जाएगी पूरी क्रोम स्ट्रिप, साइड्स पर आ जाएंगे रिफ्लेक्टर, राइट साइड एग्जॉस्ट पाइप है। काफ़ी आगे तक आइए तो काफ़ी सही लग रही है। नीचे टोइंग हुक आ जाएगी। तो ओवरऑल ऐसा कुछ गाड़ी का रियर लुक है। आफ्टर मार्केट आप इसको थोड़ा सा और लुक को इन्हांस कर सकते हैं, यहाँ पे स्पॉइलर वगैरह लगवा के साइड पे। ऊपर यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है, यहाँ पे डिफॉगर आ जाएगा। कीज़ की बात करें तो ये कीज़ हैं गाड़ी की, ऐसी कुछ कीज़ रहने वाली हैं। कर लेते हैं गाड़ी का टेल गेट ओपन। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, ऊपर पूरी कवरिंग दी गई यहाँ पर भी। बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पर आपको 420 liters का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी डिसेंट स्पेस है। स्पेयर व्हील की चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 15 inch का स्पेयर व्हील रहने वाला है, 175/65R15 सेम प्रोफाइल रहेगी, लेकिन ये स्टील व्हील रहने वाला है, अलॉय व्हील नहीं रहेगा। वहाँ टूल किट वगैरह का सामान आ जाएगा। कर लेते हैं इसे क्लोज एंड चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ। क्रोम डोर हैंडल्स हैं, ऐसा कुछ मिलता है आपको रियर डोर, ब्लैक एंड ग्रेज फिनिश रहने वाली है। यहाँ आ जाएगी फैब्रिक फिनिश, ये पूरा ब्लैक फिनिश रखा गया है। यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ आ जाएगा सिल्वर डोर हैंडल, बॉटल होल्डर, यहाँ आ जाएगा स्पीकर, एंड यहाँ पे ब्लैक कवरिंग्स दी गई हैं। फैब्रिक सीट अपॉल्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हेडरेस्ट आपको 2 मिलेंगे, इंटैक्ट हेडरेस्ट रहेंगे ये। सेंटर आर्मरेस्ट आ जाएगा 2 कप होल्डर के साथ, एंड ठीक ठाक आपको यहाँ पे थाई स्पोर्ट लेग स्पेस होंडा मेज में देखने को मिल जाता है। यहाँ आ जाएगा ग्रैब हैंडल, सीट पॉकेट्स आ जाएंगी सेंटर में, काफ़ी इतना सा आपको यहाँ पे हम्प देखने को मिलता है, सेंटर हम्प। 12 volt का एक रियर पैसेंजर्स के लिए सॉकेट दिया गया है। एंड ऐसा कुछ है गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक, देख सकते हैं आप। ऊपर आ जाएगी कैबिन लाइट। चलते हैं एक बार फ्रंट में, ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का ड्राइवर डोर, यहाँ पे पूरी स्लो फिनिश रखी गई है, काफ़ी सही लग रही है। एंड यहाँ ये पूरा ब्लैक फिनिश में रहेगा। ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो फीचर के साथ रहेगी। यहाँ आ जाएंगे सारे ORVMs के कंट्रोल्स, यहाँ से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं एंड यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब ये लेफ्ट करोगे तो फिर यहाँ से एडजस्ट करोगे, राइट करोगे फिर यहाँ से एडजस्ट करोगे। नीचे बॉटल होल्डर, यहाँ पर स्पीकर आ जाएगा। ड्राइवर सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप रिक्लाइन कर पाएंगे इसे, यहाँ से आप हाइट एडजस्ट कर पाएंगे एंड यहाँ से आप स्लाइड कर पाएंगे आगे पीछे। तो 6-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है। फ्रंट सीट्स आपको हाइट
एडजस्टमेंट जो हेडरेस्ट है उनके उसके साथ मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। नीचे यहाँ पे दो लीवर मिलेंगे, एक आपका बोनेट ओपन करने का, एक फिलेट ओपन करने का। हेडलैम्प लेवलर यहाँ आ जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इस वेरिएंट में। एसी वेंट के यहाँ पे ऐसे सराउंडिंग में सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल ऐसा कुछ है गाड़ी का इंटीरियर। स्टीयरिंग भी लेदर आप नहीं रहने वाला इस वेरिएंट में भी। पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे क्योंकि सीवीटी वेरिएंट है। राइट साइड आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं ऑटो फीचर के साथ। एंड यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स आ जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स देख सकते हैं आप सिल्वर फिनिश में, काफ़ी सही लग रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे टिल्ट स्टीयरिंग व्हील रहने वाला, टेलीस्कोपिक फीचर इसमें नहीं मिलेगा आपको। एंड ऐसा कुछ मिलने वाला आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन कर लेते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड आरपीएम आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगी स्पीड 180 की टॉप स्पीड। सेंटर पे एमआईडी है जहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। लो फ्यूल वार्निंग, फ्यूल एफिशिएंसी, गियर इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, कितना फ्यूल है, इंजन टेम्परेचर, सारा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं डायल्स। साइड पे आ जाएं, ऐसे कुछ यहाँ पे भी सीमेंट देखने को मिल जाते हैं। नीचे 7 इंच का लो उसका इंफोटेनमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ साइड पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे हज़ार स्विच आ जाएगा। फिजिकल कीज़ भी दी गई हैं, बाकी आप इसको टच के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा खासा टच रिस्पॉन्स है इसका। म्यूज़िक, गैलरी, कनेक्टिविटी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, चार स्पीकर्स मिल जाते हैं साथ में। नीचे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी की यूनिट देखने को मिल जाएगी मैक्स कूल फीचर्स के साथ। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, यहाँ पे सब फिजिकल कीज दे रखी हैं उसके लिए। यहाँ से फैन स्पीड एंड यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, 12 वाट का पावर सॉकेट आ जाएगा इस साइड, 1.5 एम्पीयर का और एक 1 एम्पीयर का यूएसबी सॉकेट। यहाँ पे स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने की। यहाँ पे दो कप होल्डर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा सीवीटी ट्रांसमिशन। इसके अलावा आपको 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स ऑप्शन भी ऑफर किया गया। यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी हैंड ब्रेक। यहाँ थोड़ी स्पेस है, यहाँ कप होल्डर है, कोई भी आमलेस नहीं रहता है अमेज में। एंड यहाँ पे भी अगेन डैशबोर्ड पे फिनिश काफ़ी सही लग रही है। नीचे देख लेते हैं, तो इतना कुछ आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। डिसेंट स्पेस है ग्लव बॉक्स में भी। मैनुअल आपको आईआरबीएम दिया गया है। यहाँ बड़ी बड़ी आ जाएगी कैबिन लाइट्स, ड्राइवर साइड सनवाइजर एंड को ड्राइवर साइड मिल जाएगा वैन डिमिरर के साथ। तो ये थी ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर होंडा अमेज का। जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर है। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो आप देख रहे हैं गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट। इस होंडा अमेज में आपको जो इंजन मिल रहा है दैट इज़ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करेगा 89 bhp की विद 110 Nm मैक्सिमम टॉर्क। तो अच्छी खासी आपको पावर देखने को मिल जाती है होंडा अमेज में भी। तो इसके कॉम्पिटिशन में आपको देखने को मिल जाता है डिज़ायर आ जाती है इसके कॉम्पिटिशन में, मेनली डिज़ायर ही आती है इसके कॉम्पिटिशन में। तो आप एक बार अगर सेडान देख रहे हैं तो इसको भी एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा इसका मुझे लगा है प्राइस, मतलब जो प्राइस है ऑलमोस्ट 11 लाख इसका ऑन रोड प्राइस आपको बढ़ जाएगा। उस हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको होंडा अमेज टॉप एंड वेरिएंट VX CVT ट्रांसमिशन के साथ? कैसा लगा वेरिएंट, फीचर्स वगैरह कैसे लगे आपको इसमें? तो क्या ये लेना वर्थ है इस प्राइस सेगमेंट में कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। एंड वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ यार चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर दो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको सब्सक्राइब को दबा दो भाई। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।